क्या ये महसूस करते हैं कि भारत में ये समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए या सिर्फ अवेयरनेस से ही काम चलाया जाए? आपका क्या विचार है? एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है जी। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए जी। एक से दो किया, अब दो के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर प्लस 2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है ये, तो प्रजनन दर को कम करने के लिए, और बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उसे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत, जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू हो। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग रखता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो सब पर ही असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए, तो इसमें होगा। और इक्का दुक्का तो होता ही ना है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए हैं क्या तो इस तरह से कई लोग होते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। ये तो नहीं मान करके चलिएगा कि हम तो कोई कानून के बहुत पक्ष में नहीं है, तो कुछ तो कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम आज ये नहीं कोई कह सकता, दावा कर सकता कि हर परिवार में, जो हम भूल रहे हैं कि प्रजनन दर, ओवरऑल प्रजनन दर घटेगा, लेकिन ये दावा हम नहीं कर सकते कि हर एक परिवार में कम ही कर लेंगे। लेकिन कुल मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा में कम, तो कुल मिला करके प्रजनन दर घटेगा। तो इसलिए हम लोगों का तो यही राय, बाकी हमको तो अब अलग अलग राज्य का है, लोगों का अपना अपना सोच है, तो अपने ढंग से करें। लेकिन हमको जो लगता है कि इससे कितना इफेक्टिव हो रहा है, मैंने मैक्सिमम ना बिहार का था प्रजनन दर, तो कितना घटा है और कितना तेजी से घट रहा है, ये साधारण बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बाढ़ की स्थिति कुछ बिगड़ी? बाढ़ की स्थिति के लिए तो एकदम बिल्कुल तैयार है, जान रहे हम लोग 2006 से ही शुरू किया, 7-8 कौन साल में नहीं किए, और इस बार भी जरा सा भी था तो हम जा करके एक एक जगह देख करके हर कलेक्टर को करवा दिया कि देख लीजिए, नीचे से दूर से देखिएगा तो सब बात पता नहीं चलेगा। आप जानते हैं ना कितनी बार सारे DMs को ऊपर से भी हम हेलीकॉप्टर भिजवा करके दिखवा लेते हैं कि कहीं कोई गांव ऐसा न हो जिसकी उपेक्षा हो सके, और पूरे तौर पर। और ये भी जो आपदा प्रबंधन है उसमें भी, जो पिछले बार बात हुई थी तो कई जगह ये पता चला कि अफेक्टेड लोग बार बार हमारे यहाँ भेजते थे तो रिपोर्ट उसका करा के कराते थे, तो इस बार भी कह दिया कि कोई अफेक्टेड आदमी छूटना नहीं चाहिए, उनको राहत देनी है, तो इसलिए ये सब हो रहा है। एकदम कॉन्शस है, पूरे तौर पर देखा जाता है, इसलिए हर तरह की सहायता दी। एक अंतिम सवाल मुख्यमंत्री जी, दिल्ली हाईकोर्ट का हाल में ये ऑब्जर्वेशन है कि देश में अब समय आ गया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट लगातार 1985 से कई बार यह कह चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि देश में कॉमन सिविल कोड का समय आ गया है, आपको आप क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, कॉमन सिविल कोड किस नंबर पर है? 44 की बात हो रही है ना? जी जी, 47 भी देख लीजिए जी, जो हम लोग नशाबंदी लागू किए हैं यहाँ जी, तो इसी तरह से और चीज़ पर भी ना ध्यान देना चाहिए जी, हर चीज़ पर तो ध्यान देना चाहिए जी। ये सब चीज़ तो खैर इस पर हमको कुछ नहीं कहना है,
जो जो प्रावधान है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है जिसमें कहा है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, तो सब पर ना ध्यान देना चाहिए भाई, तो वहाँ से भी होना चाहिए कि पूरे तौर पर बिल्कुल कि बिल्कुल शराबबंदी पूरे देश में हो, ये भी तो होना चाहिए।